सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं एक टूर्नामेंट रोड मैप हमारी ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट ग्राफिक वाली प्लेलिस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फोटोशॉप में, और आप जैसे कि देख सकते हो ये बैनर मैंने ऑलरेडी हमारी इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट का एक्चुअली लिंक आपको इधर राइट साइड में दिख रहा होगा आई बटन में, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, हर एक वीडियो है उसमें। ओके, और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक रोड मैप। ऑलराइट, उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा हमारी ये टेक्स्ट से। इस पे हम लिख देते हैं रोड मैप, एंड रोड मैप सिर्फ ऐसा नहीं होगा, चार बैनर बनेंगे, फिर उनको कंबाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम फीड में उसको अच्छा दिखा सकते हो। राइट, ओके, ऐसा कुछ हम टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे। पहले मैं कलर उठा लेता हूँ इधर से, हमारा ऑरेंज वाला। ओके, सो या कंट्रोल प्लस डिलीट या बैकस्पेस दबा के हमने कलर फिल कर दिया। ऑलराइट, रोड मैप थोड़ी स्पेसिंग और कम कर देते हैं। राइट, इतना अच्छा नहीं लग रहा। बस अभी ठीक है। इसमें मैं ना शेडो भी दे देता हूँ 130। सॉरी, यूनिवर्सल नहीं करनी थी। दोबारा शेडो, ग्लोबल लाइट बंद, 130 ओपेसिटी फुल अभी के लिए, और डिस्टेंस कम करके ओपेसिटी कम, ताकि कुछ इस टाइप का 3D टाइप का इफेक्ट आए। राइट, चलो इतना हमारा काम हो चुका है। ये मेन इन्फो को हम लॉक कर देते हैं। अभी आते हैं दोबारा ग्रुप में, न्यू लेयर, और सारे रोड मैप का मैंने इधर एक्चुअली लिखा हुआ है, हमारे ये सब हम डिटेल्स डालने वाले हैं इसमें। ओके, तो कॉपी करते हैं पूरा ग्रुप स्टेज का। बाय द वे, ये चीज़ें मुझे पता है हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करो, अब आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा। ओके, इसकी भी PhD मिलेगी आपको, इसकी एक्चुअली दो PhDs मिलेगी, वो अभी रुको दिखेगा आपको, मे बी थंबनेल में दिखा दिया होगा मैंने। हाँ, एक्चुअली ग्रुप स्टेज का हमने ये साइज़ बड़ा करना है और इनका छोटा। एक मिनट, या थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना ठीक है। इसको और रोड मैप को थोड़ा सा नीचे, राइट, ताकि अलाइनमेंट सही रहे हमारी। ओके, ऑलराइट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ग्रुप स्टेज वाले टेक्स्ट को ये कलर देंगे, और इसी के नीचे एक लेयर, ये सेंटर में है ना। हाँ, लेयर लेने के बाद इधर से करते हैं सिलेक्शन। ऑलराइट, थोड़ा सा और छोटा सेंटर, थोड़ा सा नीचे। हाँ, सॉरी, ऑल्ट प्लस डिलीट, इतना। फिर दोबारा इसको कंट्रोल जे कॉपी, और ऐसे सभी के टेक्स्ट के नीचे कर देंगे। ओके, ऑलराइट, अभी मैं इन सबको मर्ज कर देता हूँ। अभी ऑल्ट को होल्ड करके ये लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक में फिल होके आएगा। ओके, और प्राइमरी कलर वाइट ले लेते हैं, और इसी विंडो पे क्लिक करके ऐसे करेंगे। ओके, वन क्लिक बहुत है, ऐसे थोड़ा सा और छोटा करके एक और क्लिक करता हूँ ताकि ज़्यादा हो जाए।
दैट्स इट, इतना बहुत है। अगर आपको कुछ और चेंज करने हैं आप लोग कर सकते हो, लाइक अगर मैं कलर इसका ब्लैक करना चाहूँ तो आप कर सकते हो, बट हमारा कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हमें ब्लैक इतना सूट नहीं करेगा इसमें, और पूरी प्लेलिस्ट में हमने ब्लैक यूज़ नहीं किया ना इसलिए। और थोड़ा सा हम इसको दे देते हैं ड्रॉप शैडो जैसे रोड मैप को दी है। ओके इतनी भी ठीक है जितनी ऑलरेडी दी थी रोड मैप को, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर नीचे स्पेस इसलिए है कि कई बार ग्रुप स्टेजेस में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर डेट्स हैं तो कुछ लोग और भी इन्फो डालना चाहते होते हैं। ओके आप चाहो तो इसको पूरा को सेलेक्ट करके ऊपर करो और नीचे इन्फो जो आपने डालनी है डाल सकते हो। राइट, इसको मैं नेम कर देता हूँ रोड मैप। ऑल राइट, इसको दोबारा रोड मैप के अंदर ही एक बार और ग्रुप कंट्रोल जे, अब इसमें ये वाली डिटेल्स फिल करेंगे, क्वार्टर फाइनल वाली ये स्पेस। ओके अरे भाई ग्रामर लिख क्यों। एक बार मैं 30 है इसका और 53 और 47। ओके इस पे क्लिक करेंगे, और अभी जो हमने याद किया था 30 और 53 बस। और या कलर चेंज करना भूल गए, कलर वाइट, दैट्स इट, कॉर्ड फाइनल्स का हो गया। सेम इसको कंट्रोल जे हाइड, ऑल राइट। तो हमने ग्रैंड फाइनल्स तक कर दिया है सारे। ओके जैसे ये ग्रैंड फाइनल, ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और ग्रुप स्टेजेस। राइट, अभी इन सबको हम एक एक करके सेव कर लेंगे। ओके पहले ग्रुप स्टेज का सेव कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस डब्लू, जेपीजी ही सही है। ओके हाँ, तो ऑल राइट अभी हमने सारे सेव कर लिए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये ग्रैंड फाइनल, सेमीफाइनल। आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो अपने क्लाइंट को, या आप ऐसे बना सकते हो। ओके यार अगर आपने थोड़ा सा और अच्छा इसको दिखाना है क्रिएटिव टाइप, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हम विड्थ लेंगे 8000 और 2000 हाइट। ओके तो ये ऐसा बन जाएगा, लाइक आई एम टीचिंग यू हाउ यू कैन क्रिएट अ इंस्टाग्राम कैरोसेल। और अभी हम सारे ले आते हैं, सभी को पहले एंटर से रख लेते हैं, और साइज इसके जितना हमने एक्चुअली वेट 1080p रखना था, क्योंकि इसका पूरे बैनर का साइज 1080p है इसलिए। ओके कोई नहीं, इतना भी ठीक है। और इसको अलाइन कर देते हैं, क्वार्टर फाइनल इधर आएगा, ग्रैंड फाइनल बिल्कुल एंड में आएगा। ऑलराइट हाँ हो गया, ये देखो ऐसे। अभी अगर आप एक और चीज़ करना चाहो कि कहाँ गया हमारा ये और बैकग्राउंड, यहाँ पे अब आप अपने ये जो हमारा करेक्टर है इसको हटा के कोई और करेक्टर भी ऐड कर सकते हो, ताकि जो यहाँ पर अलग अलग करेक्टर शो हो। राइट, अभी तो मैं एक ही रख रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग करेक्टर्स भी लगा सकते हो, और आपको देखने की अलग करेक्टर वो जब ये मैंने मेन बैनर बनाया था उसमें दिखाया हुआ है कैसे आप पूरा कर सकते हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। राइट, अभी हमने इसके ऊपर न्यू लेयर लिया, पेन टूल लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे के
ऐसे लाइंस बनाएंगे। ओके आई थिंक आपको पता चल गया है, मतलब कि जो लोगों ने देखा हुआ है ऐसे टाइप के बैनर्स तो वो ऐसे बनते हैं। ऐसे और ऐसे, आप चाहो तो नीचे ऊपर जैसे मर्जी कर सकते हो, ये आप सब आपके ऊपर है। इतना ठीक है, रोड ग्रैंड फाइनल्स में तो कुछ नहीं है। ओके इतना ला के थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे भी दिखे। हम देंगे स्ट्रोक, ऐसी स्ट्रोक और कलर वाइट। ओके हाँ ये वाली। देखें कैसा है, थोड़ी सी और। ऑल राइट तो ऐसी स्ट्रोक हो गई। अभी इस पे मैं लेयर मास्क लूँगा और यहाँ से हम इतना कट करेंगे। ओके सभी में से, ताकि ये टेक्स्ट में ना आए। इतना बस, ये हाँ सिलेक्शन लेके ब्लैक कलर फिल कर देंगे लेयर मास्क में, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके इसके बाद एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे आप एरोज लगा सकते हो, या फिर मैं सिंपल क्या करता हूँ, एरोज बना देता हूँ वाइट कलर के एरोज लाइक दिस, ऐसे स्मॉल स्मॉल एरोज। ओके सेम आप कॉपी करके आगे भी लेकर जा सकते हो। ऑल राइट तो ये सब हो गया हमारा, इनको मैं ग्रुप में कर देता हूँ। यार उसको मर्ज नहीं किया है क्योंकि अगर आप इसी में करोगे, इसके भी PSD फाइल मिलेगी आपको यही साइज़ की, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। राइट इतना सब हो गया। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने सभी करेक्टर सेम रखे हैं, आप चाहो तो डिफरेंट रखो, डिफरेंट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने नहीं रखे ओके क्योंकि वही वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती। अभी क्या है, आपने इतना कर लिया राइट, अभी अगर आप इसको एक्सपोर्ट करो तो ये पूरा एक्सपोर्ट होगा, इसलिए हमको सिंगल सिंगल स्क्वायर चाहिए। राइट तो हम लोग यहाँ पर, पहले मैं स्क्वायर लिया तो यहाँ से हम स्क्वायर उठाएंगे एक, ये अपने आप मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसकी टेंशन नहीं है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, सेव मत करना, सेव मत करना, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डब्ल्यू, फिर इसको सेव करके फिर बाद में कंट्रोल जी, फिर इधर आ जाओ सेकंड वाले पे, फिर इसको ध्यान से सिलेक्शन ले लो। ओके थोड़ा सा मूव कर लो जैसे आपको करना है, देख के एजेस वगैरह देख लेना ध्यान से। ओके तो ऐसे आप करके तीनों पे कर लोगे एक्सपोर्ट। राइट फिर ये आपका इंस्टाग्राम पे जब रोड मैप डलेगा तो अच्छा लगेगा। ओके सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।